चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमें बात करनी है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं क्या होता है हमारे सामने सीरीज कनेक्शन और क्या होता है पैरेलल कनेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का सबसे पहला एडवांटेज आपके सामने जो ये आता है, वी कैन इंक्रीज द पावर और वोल्टेज ऑफ द सर्किट बाय एडिंग एडिशनल सेल्स। हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास सीरीज कनेक्शन होता है, उस सीरीज कनेक्शन में उसकी जो पावर और वोल्टेज होता है, उस पावर और वोल्टेज आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग द एडिशनल अमाउंट ऑफ सेल। अगर हम एडिशनल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो पहला एडवांटेज हुआ आपके सीरीज कनेक्शन का, वो एडवांटेज क्या हुआ कि वी कैन इंक्रीज द पावर एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट बाय एडिंग एडिशनल नंबर ऑफ सेल्स। गॉट इट। दूसरा एडवांटेज होता है आपके सीरीज कनेक्शन का, इट इज वेरी इजी टू मेक सीरीज कनेक्शन। एनी वन कैन मेक द सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन बहुत बहुत ईजी होता है, कोई भी उसको क्या कर सकता है, मेक कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है। और जो तीसरा एडवांटेज आता है वो क्या आता है आपके सामने, वो एडवांटेज बोलता है, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज कनेक्शन में करंट का अमाउंट क्या होता है, सेम होता है। हर एलिमेंट के पास इक्वल अमाउंट ऑफ क्या होती है, करंट अवेलेबल होती है। तो सेम वे में वी कैन से दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द सीरीज कनेक्शन गेट इक्वल अमाउंट ऑफ करंट। हर सीरीज कनेक्शन का हर एलिमेंट क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट को क्या कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है, उसके पास अवेलेबल होती है। तो तीन एडवांटेज के बारे में बात करी हमने। सबसे पहला, वी कैन इंक्रीज द आउटपुट पावर और वोल्टेज बाय एडिंग एडिशनल नंबर ऑफ सेल्स। दूसरा, हमने जहां बात करी सीरीज कनेक्शन में एडवांटेज के बारे में, उस जगह हमने ये बोला कि सीरीज कनेक्शन इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट और मेक। सीरीज कनेक्शन को बनाना बहुत इजी होता है। और तीसरी हमने बात करी सीरीज कनेक्शन में, जिसमें क्या बोला, पहले में तो हमने बोल दिया कि सीरीज कनेक्शन बहुत इजी होता है बनाना। दूसरा, पावर आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इन दो के बारे में हमने बात करी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन। किसके बारे में बात करते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन का जो डिसएडवांटेज होता है, सबसे पहला डिसएडवांटेज, क्योंकि सारे अपरेटर, सारे एलिमेंट एक ही लाइन में अटैच होते हैं। इन दैट केस, इफ वन अप्लायंस वन एलिमेंट स्टॉप्स वर्किंग, ऑल अप्लायंसेज और डिवाइसेज कनेक्टेड इन सीरीज स्टॉप। वो क्या हो जाएगी, अगर एक एलिमेंट खराब हुआ और उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट हुई, तो उसके साथ कनेक्टेड जितने भी, उसके साथ कनेक्टेड जितने भी आपके अपरेटस और अप्लायंसेज और डिवाइसेज है, वो सारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दे सकते हो हम, हमारे घर पे जो डेकोरेटिव बैक टू बैक लाइटनिंग करते हैं, दिवाली के टाइम पे हम जो लाइटनिंग करते हैं घरों के बाहर, या फिर मैरिज फंक्शन के टाइम पे हम जो डेकोरेशन करते हैं लाइटनिंग का, उसमें अगर एक लाइट भी फ्यूज हो जाती है, तो उसके साथ अटैच पूरी जो सीरीज होती है, वो क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। तो सबसे मेजर डिसएडवांटेज आता है सीरीज कनेक्शन का, वो डिसएडवांटेज क्या होता है कि इफ वन अप्लायंस और एलिमेंट ऑफ सीरीज कनेक्शन स्टॉप्स वर्किंग, इन दैट केस ऑल अप्लायंसेज कनेक्टेड इन सीरीज स्टॉप्स। वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। और दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज आता है सीरीज कनेक्शन का, वो आता है देर इज ए हाई लॉस ऑफ पावर। देर इज ए हाई लॉस ऑफ पावर, पावर का बहुत ज्यादा लॉस होता है, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू यूज ओनली अ सिंगल सर्किट, दैट इज नॉट पॉसिबल। द ओवरऑल कनेक्शन और एलिमेंट और अप्लायंसेज कनेक्टेड इन सीरीज, दे ऑल वर्क टूगेदर, एल्स नो वन एल्स एनीथिंग नो वर्क टूगेदर। कोई भी वर्क नहीं करेगा, या तो सब एक साथ करेंगे या फिर कोई भी वर्क नहीं करेंगे। सो देर इज ए लॉस ऑफ पावर एंड एनर्जी इन द सीरीज कनेक्शन। गॉट इट। ये उसका एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में, पैरेलल के एडवांटेज और दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में। तो पैरेलल कनेक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज, सीरीज कनेक्शन में हमारे पास क्या था, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट अवेलेबल थी हर एलिमेंट के लिए, यही उसका एडवांटेज था ना, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इज अवेलेबल फॉर एवरी एलिमेंट। यहां पर वोल्टेज अवेलेबल होता है, द वोल्टेज, इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन में दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो हर एलिमेंट के लिए वोल्टेज क्या होता है, इक्वल अवेलेबल होता है। ये सबसे पहला क्या हो गया, इसका एडवांटेज हो गया। दूसरा,
जो एडवांटेज होता है पैरेलल कनेक्शन का वो ये बोलता है, देयर इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग इन दैट केस देयर इज नो इफेक्ट ऑन द अदर्स, दे वर्क नॉर्मली. वो क्या होते हैं, अगर कोई भी एक एपरेटस या एक डिवाइस की फंक्शनिंग को अफेक्ट होती है या करते हैं तो उसके साथ साथ जो अदर डिवाइसेस कनेक्टेड है उनकी फंक्शनिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दे वर्क नॉर्मली. ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है. अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं. देखिए जो डिसएडवांटेज होता है, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होता है, इट इज़ वेरी टिपिकल टू क्रिएट द पैरेलल कनेक्शन. जो पैरेलल कनेक्शन होता है उस पैरेलल कनेक्शन को क्रिएट करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, टिपिकल होता है, इजी टू मैनेज नहीं कर सकते हम पैरेलल कनेक्शन को. गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई. और इसके अलावा एक जो मेजर डिसएडवांटेज वो ये होता है कि वी कैन नॉट इंक्रीज एंड डिक्रीज, वी कैन नॉट इंक्रीज द फाइनल पावर, जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते. गॉट इट, सीरीज कनेक्शन में तो हम एडिशनल सेल को क्या करते थे, अटैच करके पावर और वोल्टेज को इंक्रीज करते थे, लेकिन हम पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज को क्या नहीं कर सकते, हम वोल्टेज को इंक्रीज नहीं कर सकते. तो ये थे हमारे सामने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन. अब जो चीज़ें काम की सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के लिए, हमारे जो घर की डोमेस्टिक वायरिंग होती है, क्वेश्चन पूछते हैं हर बार व्हाई डोमेस्टिक वायरिंग आर मेड इन पैरेलल कनेक्शन इंस्टेड ऑफ सीरीज कनेक्शन. तो इसका सबसे फर्स्ट आंसर आता है, द हाउस होल्ड वायरिंग इज मेड विथ पैरेलल कनेक्शन और पैरेलल सर्किट बिकॉज ऑल सर्किट्स और ऑल अप्लायंसेस वर्क सेपरेटली. वो क्या होते हैं, सेपरेटली वर्क करते हैं. इफ़ वी क्रिएट द सर्किट इन सीरीज कनेक्शन इन दैट केस इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग इन दैट केस द ओवरऑल लाइट होल लाइट ऑफ आर हाउस होल्ड स्टॉप्स. गॉट इट, यानी कि अगर एक स्विच सीरीज में कर दिया, एक स्विच ऑन करा तो सारे स्विच क्या हो जाएंगे, एक साथ सारे फैंस लाइट ट्यूबलाइट एक साथ ऑन हो जाएगी. सो देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी. किसका एनर्जी का लॉस होगा, वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा. दैट्स व्हाई हाउस होल्ड सप्लाई इज क्रिएटेड इन द पैरेलल कनेक्शन. गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई. और जो हमारे पास पोल लाइनिंग होती है, वो पोल लाइनिंग किसने क्रिएट करते हैं हम, वो पोल लाइनिंग क्रिएट करते हैं हम सीरीज में, ताकि कि मेन सब स्टेशन से सारे हाउस होल्ड की लाइटनिंग को हम एक साथ ऑफ कर सकें. इतनी बात क्लियर हो गई. अगर हमें पावर, हमें रेजिस्टेंस और पावर को बढ़ाना होता है तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट को, और कम करना होता है तो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो आप यहाँ तक जल्दी से सारे वीडियो देख लीजिएगा, मैं आपके लिए एक रिवीजन वीडियो लेके आने वाला हूँ. इसके बाद छोटा सा रिवीजन वीडियो होगा, उसको देखना मिस मत कीजिएगा. और उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार, थैंक यू.